चलो जो हाँ राम 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 राम। कितना टाइम और लगेगा? कोल्हा के सुरेश सर, मैं देशनोक से हूँ। हाँ जी बढ़िया है, बढ़िया है, देशनोक करणी माता की भूमि है। हाँ जी नमस्ते। सर जी सलवा की किताबों में पता नहीं कमेंट रुकते नहीं है। राम 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 राम, राम। भरतपुर से ठीक है जी। राम राम हेलो। हाँ जी हाँ, अच्छा श्रीमान जी आपने मुझे पटवार के कोर्स की जगह रीट के कोर्स एसएसटी में जोड़ दो, क्योंकि मैंने पटवार कोर्स रीट लेवल के लिए खरीदा था। मुझे आशा है आपकी। अरे ये ऑनलाइन रहेगा इसलिए हो नहीं पाता, ऑफलाइन में तो ठीक है। रेमुना इनली क्लास में बैठ जा, एक वो बहुत लंबी प्रोसेसिंग हो जाएगी जो समस्या, लेकिन फिर भी देखेंगे भी करेंगे। सर एक सवाल था, कई किताब रणथंभौर दुर्ग को नागिल जाटों द्वारा बनाया। बिल्कुल ये भी बात कई किताबों में आती है, तो वो ऑप्शन के आधार पे देख लो, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। फिर भी ये नागिल जाट अगर ऑप्शन आए तो ये हो जाएगा पहले। मालवा प्रवेश द्वार यही है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। हाँ बताइए, कोई कमेंट वगैरह हो पीछे दुर्गों से संबंधित तो मैं उन्हें देख लेता हूँ। फिर अपने मेवाड़ के बच्चे में दुर्ग पढ़ने हैं। आई लव यू। हाँ जी अजय आई लव यू। जादौन जी आई लव यू। राज संबंध से हूँ, बढ़िया बढ़िया। हाँ मैं सीकर से हूँ नानू, बहुत बढ़िया बात है। मुना तो आपने ठीक है, सीधो ही पढ़ना आज यार। चलो करूँ शुरू फिर। सूरतगढ़ से बहुत बढ़िया। सर अथर्ववेद का वंशीकरण और मंत्र भी बताओ। अच्छा अथर्ववेद वंशीकरण और मंत्र के, मनोज मीणा मंत्र जो होते हैं ना वो ऐसे बोलने से नहीं होते, मंत्रों की सिद्धि करनी पड़ती है। यज्ञों द्वारा सिद्धि करके ही उन्हें प्राप्त किया जा सकता है, वरना मंत्र तो बहुत सारे हैं। कि महामृत्युंजय मंत्र है, ओम यजा महे सुगंधिम पुष्टिवर्धन, मन में भी आया लेकिन ये थोड़ी कि मैं अमर हो जाऊंगा, क्योंकि इसकी सिद्धि करनी पड़ती है प्रत्येक मंत्र की। आपकी पुस्तक में कंप्यूटर का सिलेबस समझ में नहीं आ रहा। कंप्यूटर बहुत ज्यादा डाला हुआ है इसमें, बहुत डीपली डाला हुआ है। कंप्यूटर पढ़ो आप, इससे बाहर नहीं जा सकता बुक में। चलो शुरू करते हैं फिर, बहुत हो गया रख दो मैं देखता। अच्छा अपने मेवाड़ के दुर्ग पढ़ रहे थे, सही दिख रही है? देखियो ये सही दिख रहा है, फोक्स तो नहीं है, ठीक है। तो मेवाड़ के दुर्ग पढ़ रहे थे अपन। मेवाड़ में अपन ने एक दुर्ग तो पढ़ लिया, गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़िया। अब हमें कुंभा द्वारा निर्मित दुर्ग पढ़ते हैं। भाई कुंभा मेवाड़ का इंपॉर्टेंट शासक है, और वीर विनोद का लेखक श्यामलदास तो ये बोलता है कि मेवाड़ में 84 में से 32 दुर्ग कुंभा ने बनवाए थे। ये प्रश्न बाकायदा सेकंड ग्रेड में पूछा जा चुका है कि वीर विनोद के लेखक श्यामलदास के अनुसार मेवाड़ में 84 में से कुंभा ने कितने दुर्ग बनाए। मारवाड़ में सर्वाधिक दुर्ग मालदेव ने बनवाए, और मेवाड़ में सर्वाधिक दुर्ग कुंभा ने बनवाए। कुंभा का समय राजस्थान स्थापत्य का गोल्डन पीरियड माना जाता है, स्वर्ण काल माना जाता है, और भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल माना जाता है शाहजहां के समय, जिसने ताजमहल, तख्ते ताऊस, लाल किला, जामा मस्जिद वगैरह बनवाए थे। अब आपको याद करने कुंभा द्वारा निर्मित दुर्ग। पहले तो मैं दुर्ग लिखता हूं, कुंभा ने कौन कौन से बनवाए। कुंभलगढ़ राजसमंद, कुंभलगढ़, अचलगढ़ सिरोही, बसंतगढ़ दुर्ग को बसंती भी बोलते हैं, कहां है सिरोही। कुंभलगढ़, अचलगढ़, बसंतगढ़, बैराट, भोमट पड़ता है बाड़मेर, बैराट पड़ता है भीलवाड़ा। कुंभलगढ़, अचलगढ़, बसंतगढ़, बैराट, भोमट और कुंभलगढ़, अचलगढ़, बसंतगढ़, और बीच में लिखो तो लिख दो चाहे चित्तौड़गढ़, लेकिन चित्तौड़गढ़ आधुनिक निर्माता वैसे चित्रांग मोरिये। कुंभलगढ़, अचलगढ़, बसंतगढ़, बैराट, भोमट और मचान। मचान कहां पड़ता है सिरोही। पहले तो ये पांचू रोटो यहां से बहुत बार प्रश्न आ गया, पीछे राजस्थान पुलिस में भी आया था, और राजस्थान पुलिस में सीधा सीधा आया था, ऐसे पूछा था कि निम्न में से कुंभा द्वारा निर्मित दुर्ग नहीं है। तो वीर विनोद का लेखक ये कहता है कि 84 में से 32 दुर्ग बनवाए, लेकिन ये बात सत्य नहीं हो सकती, क्योंकि 32 दुर्ग तो पूरे राजस्थान में ही नहीं होंगे। ये आज तक दो बार क्वेश्चन आया कुंभा द्वारा निर्मित दुर्ग नहीं है,
और ये इतने ही ऑप्शन मिलेंगे, इसके अलावा चौथा ऑप्शन कोई और मिलेगा, सीधा रट्टा मारो इनको। कुंभलगढ़ अचलगढ़ बसंतगढ़ बैराट वोमट, 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 रट्टा मारो मेरे साथ। कुंभलगढ़ अचलगढ़ बसंतगढ़ बैराट वोमट, कुंभलगढ़ अचलगढ़ बसंतगढ़ बैराट वोमट, कुंभलगढ़ अचलगढ़ बसंतगढ़ बैराट वोमट, याद करो जल्दी से। हिस्ट्री क्लास रमाकांत जी बिल्कुल लगा देंगे, थोड़ा सा बिजी शेड्यूल इतना हो गया, तीन सेटअप बना रखे हैं, लाइव क्लासों की वजह से सेटअप में बड़ी मुश्किल से टाइम निकालना पड़ता है, तो एक दो सेटअप और सेट करने पड़ेंगे, उसके बाद करेंगे फिर। सर मेरा नाम ले लो, आपका फैन हूं। ले भी राकेश ले लियो तेरो भी। चलो याद हो गए, कुंभलगढ़ अचलगढ़ बसंतगढ़ बैराट वोमट, कुंभलगढ़ अचलगढ़ बसंतगढ़ बैराट वोमट, कुंभलगढ़ अचलगढ़ बसंतगढ़ बैराट वोमट, ठीक है। यो केली कैलुनास से, बढ़िया बात है, लुनास में कुंभलगढ़ अचलगढ़ बसंतगढ़ बैराट वोमट, कुंभलगढ़ अचलगढ़ बसंतगढ़ बैराट वोमट, हो गयो गे याद हो गयो तो मैंने इजाजत दोगे गुरुजी, हो गयो यार टाइम खराब ना करो, आगे पढ़ाओ जल्दी से, कमेंट करो। कुंभलगढ़ अचलगढ़ बसंतगढ़ बैराट वोमट, हाँ कुंभलगढ़ अचलगढ़ बसंतगढ़ बैराट वोमट, करो याद करो याद करो, पगा लागो तथास्तु। कुंभलगढ़ अचलगढ़ बसंतगढ़ बैराट वोमट, हो गयो गे याद है, अरे याद हो गयो गे, कुंभलगढ़ अचलगढ़ बसंतगढ़ बैराट वोमट है, कुंभलगढ़ अचलगढ़ बसंतगढ़ बैराट वोमट, अरे हो गयो, आगे चल चलो चलते हैं फिर आगे। बाकी दुर्गों का ज्यादा डिटेल नहीं है, एक दुर्ग का तो बहुत ज्यादा डिटेल है, पहले हम उस दुर्ग को पढ़ते हैं, कौन सा, कुंभलगढ़ दुर्ग। जब भी कभी आपको चित्तौड़ दुर्ग दिखाया हुआ मिलेगा तो ध्यान रहे विजय स्तंभ दिखाई हुई मिलेगी, और जब भी कभी आपको कुंभलगढ़ दुर्ग दिखाया हुआ मिलेगा तो इस तरीके से आपको एक दीवार दिखाई हुई मिलेगी, और यही इंपॉर्टेंट चीज है कुंभलगढ़ दुर्ग की। सर कितनी लंबी हुआ दीवार, आ दीवार मुना 36 किलोमीटर लंबी है, भारत में इतनी लंबी दीवार और कहीं नहीं है, तभी तो इसे ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारत की महान दीवार, ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया। विश्व की सबसे लंबी दीवार तो कौन सी है, चाइना की दीवार और भारत की है। वैसे इस दुर्ग की शुरुआत तो कहते हैं कि मौर्यों ने करवाया था, अशोक का पुत्र था एक संप्रति, उसने करवाया था, लेकिन एग्जाम में जब पूछा गया तो कुंभा ही उत्तर आया था, क्योंकि कुंभा की पत्नी थी कुंभल देवी, कहते हैं कि कुंभा ने अपनी पत्नी कुंभल देवी की याद ने इस दुर्ग को बनवाया। अब आप खुद देखो कि 36 किलोमीटर में दुर्ग है तो किसी एक पहाड़ी पर तो हो नहीं सकता, असंभव है, तो कई पहाड़ियों का नाम आएगा, हेमकुट, गंधमाधव, जरगा, रागा, यानी कई पहाड़ियों पर यह दुर्ग है। सर कुंभा ने कब बनवाया था इसको, वैसे तो शासन का कुंभा का मान लो 1448 से लगभग 58 के बीच में इस दुर्ग को कुंभा ने बनवाया था। अब यह दुर्ग इतना शानदार तरीके से भाई इतनी ऊंची पहाड़ियों पे और इस तरीके से बनाया, तो इसका इंजीनियर तो बड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछ लिया गया उसका। सर वो इंजीनियर कौन है, वो है मंडन। सर ये मंडन कौन है, मंडन गुजरात का एक ब्राह्मण था जिसमें बहुत सारे ग्रंथ भी लिखे थे, रूप मंडन, शकुन मंडन, देव मंडन और भी कई ग्रंथ है, प्रसाद मंडन। तो मंडन गुजरात का ब्राह्मण था, कुंभा के दरबार में था। तो इस दुर्ग का मुख्य शिल्पी मंडन है, जिसको कई बार पूछा जा चुका है, मंडन मंडन मंडन, ठीक है। देखो दुर्ग के अंदर घुसेंगे, हाँ गुरुजी घुस जाओ, अंदर जाएंगे तो इस तरीके से एक महल है, कहते हैं कि वो महल कटार की तरह बना हुआ है, इसलिए उस महल का नाम क्या है, कटारगढ़। अब मैंने आपको एक बात भी बताई थी, पहले इसके उपनाम देख लेते हैं, हाँ पहले इसके उपनाम देख ले, देखो कुंभल मेरु भी बोलते हैं, कटारगढ़ भी बोल, चलो कटारगढ़ तो छोड़ो कोई जरूरी, मेवाड़ का मेरुदंड और मेवाड़ की संकटकालीन सरणस्थली, मैंने जाए बात यार गाई बजूं, मेवाड़ की संकटकालीन सरणस्थली, देखो
मेवाड़ वालों के जब भी कोई मुसीबत आती थी तो वो कहां जाते थे? कुंभलगढ़। सर कब कब कौन कौन आया? उदय सिंह को पन्ना धाई जो है वो यहीं लेके आया था, आसा शाह की देखरेख में रखा था। फिर महाराणा प्रताप के समय अस्थाई राजधानियां भी रही थी, महाराणा प्रताप का दूसरी बार राज्याभिषेक इसी दुर्ग में हुआ। मारवाड़ राजाओं की संकटकालीन संस्थली तो है शिवाना दुर्ग, और मेवाड़ महाराणाओं की संकटकालीन संस्थली कौन सा दुर्ग है? कुंभलगढ़ दुर्ग है। दुर्ग के आगे चलें, अब दुर्ग के अंदर और एक महल है कटारगढ़। कटारगढ़ महल जो है, अब कुंभा के समय राजधानी कुंभलगढ़ हो गई थी, कुंभा कुंभलगढ़ रहने लगा, और जहां राजा रहेगा वही राजधानी होगी। आज हमारे भारत का राजा, भारत का प्रधानमंत्री दिल्ली रह रहा है, दिल्ली भारत की राजधानी। जिस दिन हमारा प्रधानमंत्री मुंबई बैठने लग जाएगा, हमारी राजधानी मुंबई हो जी, तो दिल्ली बैठकर हमारा प्रधानमंत्री पूरे भारत को देख रहा है। तो कहां से देख रहा है? दिल्ली से। देखा कहां से जाता है? आंखों से। तो कुंभा कटारगढ़ में बैठकर पूरे मेवाड़ की देखरेख करता था, और देखा कहां से जाता है? आंखों से। तो इस कटारगढ़ को क्या बोलने लग गए? मेवाड़ की आंख। यह कटारगढ़ वैसे दो भागों में बंटा हुआ है, कटारगढ़ दो भागों में बंटा हुआ है। एक तो भाग का नाम है जनाना, और दूसरे भाग का नाम है मर्दाना। जनाना फिर दो भागों में बंटा हुआ है, एक का नाम तो है श्रृंगार और दूसरे का नाम है जूना कचरी। देखो कुंभलगढ़ दुर्ग बहुत ऊंचाई पर है, आज भी आप चढ़ोगे गाड़ी से तो डेढ़ घंटे लग जाते हैं। तो ये जो कटारगढ़ में एक ऊपरी ऊपर महल है, ये जो कटारगढ़ का ऊपरी ऊपर महल है, ये महल इतना ऊंचा है कि कहते हैं कि इसको बादल भी टच करते थे, तब उसका नाम निकाल दिया क्या? बादल महल। और इसी बादल महल के जूना कचहरी करो तो कर लो, लेकिन आज तक दो बार प्रश्न पूछा गया कि महाराणा प्रताप का जन्म कहां हुआ, तो उसमें उत्तर कुंभलगढ़ था, ना कि कुंभलगढ़ कटारगढ़ बादल जूना कचहरी, तो सिर्फ कुंभलगढ़ पूछा गया। तो महाराणा प्रताप का जन्म बादल महल के जूना कचहरी में 9 मई, इंपोर्टेंट डेट है तो याद करनी पड़ेगी, 9 मई 1540। लेकिन यह डेट इतनी एक्चुअल नहीं, क्योंकि उस समय मई वगैरह कम चलती थी। तो सही देखें तो महाराणा प्रताप की जो जयंती आती है वो आती है ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया, यानी महाराणा प्रताप का जन्म ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया विक्रमी संवत 1597 वार रविवार। कब? महाराणा प्रताप का जन्म 1540 में है, चंद्रसेन का जन्म 1541 में है, राय सिंह का जन्म 1541 में है, अकबर का जन्म 1542 में है, और बात करें तो अकबर के बाद मान सिंह उसी समय समकालीन है, मान सिंह का जन्म 1550 में। गुरुजी और बताओ जल्दी जल्दी बोल गया। महाराणा प्रताप 1540, चंद्रसेन 41, अकबर 42, ये तीनों समकालीन है, तो इन तीनों का तो याद रख लो, यानी इनमें बड़ा कौन है? महाराणा प्रताप। दूसरा यानी अकबर महाराणा प्रताप वो 2 साल छोटो। महाराणा प्रताप का जन्म 1540, चंद्रसेन का 41, और राय सिंह जो है ना बीकानेर का, जिसे मुगल साम्राज्य का स्तंभ कहा जाता है, जो जहांगीर का सबसे विश्वसनीय था, उसका भी 41 के अंदर है, और अकबर का 42, मान सिंह का 1550, और बाबर और सांगा की उम्र में 1 साल का अंतर था, और महाराणा प्रताप और अकबर के जन्म में 2 साल का अंतर था। वैसे अकबर का जन्म भी रविवार को है, महाराणा प्रताप का जन्म भी रविवार को है, गांधी जी का जन्म शनिवार को है। चलो ठीक, आगे चलते हैं। तो कौन कौन सी बातें बता दें? अब क्या है? कहते हैं अबुल फजल ने कहा है बात। अबुल फजल बोलियो, बोल कुंभलगढ़ दुर्ग इतनी ऊंचाई पर बने रहे, कह नीचू ऊपरिया देख नीच पगड़ी गिर जा। अच्छा देखो, ये कमेंट जो है वो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, और कमेंट हमेशा उल्टे पूछे जाएंगे, ये भी ध्यान रखना। उल्टे किया गुरुजी, किस दुर्ग के बारे में कहा गया कि नीचे से ऊपर देखने पर पगड़ी गिर जाती है? टोड ने इसकी मजबूती को देखकर, टोड ने इस दुर्ग के लिए कहा एस्ट्रोस्कोन। एस्ट्रोस्कोन किसके कारण? मजबूती के कारण। अब देखो इतिहास में कुंभलगढ़ दुर्ग सिर्फ एक बार ही जीता गया था, महाराणा प्रताप के समय शाहबाज खान ने 1578 पर कुंभलगढ़ के नजदीक एक जगह है केलवाड़ा,
वहां पर शिविर लगाया। तो महाराणा प्रताप ने उस समय कुंभलगढ़ दुर्ग छोड़ दिया और भामाशाह को धन वगैरह देके यहां से रवाना किया, और महाराणा प्रताप ने यह दुर्ग भाण को सौंप दिया था, सेनापति था उनका भाण। तो अंदर जो है बारूद फट गई थी, इसलिए दुर्ग के दरवाजे खोलने पड़े। और एक बार सिर्फ अप्रैल 1578 इस अजय दुर्ग को सिर्फ एक बार शाहबाज खान ने जीता था। वैसे शाहबाज खान ने मेवाड़ पर 3 बार आक्रमण किया था। यह प्रश्न पिछली बार फर्स्ट ग्रेड के अंदर आया था कि शाहबाज खान ने कुंभलगढ़ पर कितनी बार आक्रमण किया, जिसका उत्तर था 3 बार। तो एक जो प्रश्न जिसका बड़ा कंफ्यूजन था, मेरी किताब जो है ना हिस्ट्री वाली, उसमें मैंने लिखा है कि चामंड जो राजधानी है वो 28 वर्ष तक रही, एक बार मैंने 30 भी लिखा है, दोनों डेट्स लिख दी। चावंड राजधानी मैंने ऐसे लिखा है, चावंड राजधानी 1613 और 1615 तक रही। अब क्यों लिखी मैंने ये बात, दोनों डेट क्यों लिखी? पिछली बार, अब मैं प्रश्न आपसे ही पूछूंगा, पिछली बार फर्स्ट ग्रेड के अंदर एक प्रश्न आया कि चावंड राजधानी कितने वर्षों तक रही। चलो पहले आप उत्तर बताओ, मैं आपके उत्तर देखता हूं कि चावंड राजधानी कितने वर्षों तक रही। सांगा की जन्म स्थान कुंभलगढ़ है क्या? नहीं भाई, सांगा का जन्म स्थान कहां है उल्लेख तो नहीं है। मेरे हिसाब से कुंभलगढ़ तो नहीं है, सांगा के समय राजधानी तो चित्तौड़ थी। शक्ति सिंह महाराणा प्रताप का भाई था, जो किसी वजह से नाराज होके, कौन पूछ रहे हैं, संजय सुतार, किसी वजह से नाराज होके अकबर के पास चले गए थे। और अकबर ने जब आक्रमण की सूचना है तो उदय सिंह को शक्ति सिंह ने ही दी थी। तो शक्ति सिंह महाराणा प्रताप के भाई थे। स्वाई प्रताप सिंह का कार्यकाल बताओ, कौन सा स्वाई प्रताप सिंह, जयपुर वाला क्या? तो भाई वो तो निकालना पड़ेगा, फिर सारे देखने पड़े, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं तो फिर याद नहीं रहता, कर्म से लिखे तो याद रह जाता है। बिल्कुल बताऊंगा, फिर बताइए कितने उत्तर क्या करके आओगे। पिछली बार फर्स्ट ग्रेड में आया था उत्तर, लगभग बच्चों के 28 आ रहा है, एक के 30 भी आ रहा है, फिर 28 आ रहे हैं, किसी के 15। हरीश राठौड़ बना कहीं करो या हाँ। किसी के 15 आ रहे हैं, ये तो गलती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था। ओहो लोकेश मीणा तो 55 पर ले गयो, और भाई की करे यहां 28। भाई चलो बताता हूं फिर मैं, चलो कोई बात नहीं, देखो देखो मैंने देखो इस बात का, वो जो प्रश्न आया तब लोगों का गलत क्या हुआ, क्योंकि इस बात का तो सबको पता था कि चावंड राजधानी महाराणा प्रताप ने 1585 में बनाई। अब उसने प्रश्न पूछा कि चावंड राजधानी कितने वर्षों तक रही, अब गड़बड़ क्या की चावंड के अंदर, बच्चों ने सोचा कि महाराणा प्रताप की मृत्यु तक रही, यानी उन्होंने क्या किया 1597 में से 85 घटा के बहुत सारे तो यही करके आ गए, ये तो है ही नहीं। उसके बाद राणा अमर सिंह बने, तो अमर सिंह के समय राजधानी यही थी। अब उत्तर 28 होगा कि 30, अमर सिंह ने अधीनता स्वीकार की थी 1615 में, मेवाड़ मुगल संधि 5 फरवरी 1615। तो मेवाड़ मुगल संधि के तहत अमर सिंह ने शर्त रखी थी कि राणा कभी तुम्हारे दरबार में नहीं जाएगा, मैं किसी प्रकार का वैवाहिक संबंध नहीं रखूंगा। और एक प्रश्न आया था, अभी मैं आपसे पूछता हूं, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें चल जाती है। एक बार प्रश्न अभी आया था ये प्रश्न, और बहुत अच्छा क्वेश्चन था। कई बार एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिन पर हम ध्यान नहीं देते, जैसे एक प्रश्न जिसे मैं कभी लिखाता नहीं, क्योंकि एक महान शासक की थोड़ी सी नेगेटिविटी आती है, इसलिए मैं लिखाता नहीं, लेकिन बता देता हूं। अभी एक प्रश्न आया था कि चंद्रसेन जनता के, एग्जाम में पूछा था ये, चंद्रसेन जनता के मध्य अलोकप्रिय क्यों थे, और उसने ऐसे वो ऑप्शन दिए कि पहला ऑप्शन दे दिया कि कर लगा दिए थे और इस तरीके से, और दूसरा ऑप्शन दे दिया था सेठ साहूकारों को लूटा, विलासिता प्रवृत्ति थी। तो लगभग लोग करके आ गए कि कर बढ़ा दिया था। चलो एक तो इसका उत्तर बताओ, फिर मैं दूसरा पूछ रहा था उसका पूछूंगा।
भी चंद्रसेन जनता के मध्य अलोकप्रिय क्यों थे, अभी एग्जाम में आया था, मैंने फेसबुक पे भी डाला था, पता नहीं कौन सी एग्जाम में था। तो पहला ऑप्शन दिया कि कर ज्यादा बढ़ा दिया था, दूसरा ऑप्शन था सेठ साहूकारों को लूटा था, तीसरा ऑप्शन था विलासिता प्रवृत्ति के कारण। तो चलो पहले तो इसका उत्तर बताओ, फिर आगे वाले का पूछता हूं। ठीक है, इसके लगभग बच्चों के सही उत्तर आ रहे हैं, क्योंकि यह आपको गाइड में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इसे कम में हटा देते हैं, लेकिन ऐसी चीजें कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है। बिल्कुल ठीक है, इसका उत्तर होगा सेठ साहूकारों के, क्योंकि कहते हैं कि चंद्रसेन की जब आर्थिक स्थिति खराब हुई थी तो तब कुछ सेठ साहूकारों को लूटा था, इस वजह से जनता के मध्य अलोकप्रिय हो गए थे। अब जो मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, भी मेवाड़ मुगल संधि चली, क्योंकि अमर सिंह ने शर्त रखी थी कि हम तुम्हारे साथ किसी प्रकार का वैवाहिक संबंध नहीं करें। अब एक प्रश्न आया अभी एग्जाम में कि राजस्थान की किस रियासत ने मुगलों के साथ किसी प्रकार का वैवाहिक संबंध नहीं किया, और मेवाड़ सबको पता था, मेवाड़ ऑप्शन ही नहीं दिया उसने, तो उसमें ऑप्शन दे दिए उसने बीकानेर, जैसलमेर, कोटा, जयपुर। अब बताइए, मेवाड़ तो ऑप्शन ही नहीं दिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आपको गाइडों में भी नहीं मिलेगा, ये मुश्किल से मिलेगा। राजस्थान की किस रियासत ने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध नहीं किए, मेवाड़ सबको पता था, मेवाड़ ऑप्शन नहीं दिया, फिर बीकानेर, जैसलमेर, कोटा और जयपुर ऑप्शन दे दिए, इसका उत्तर बताओ। अरे जयपुर कैसे हो, जयपुर ने सबसे पहले स्थापित किए थे, अधीनता स्वीकार की थी। इसका सही उत्तर नहीं आया अभी तो। स्वाई जय सिंह का पिता लाल सिंह, स्वाई जय सिंह जो है वो मान सिंह का पड़पोता था, यानी मान सिंह का बेटा था जगत सिंह, जगत सिंह जो बंगाल अभियान में मारा गया था, जगत सिंह का बेटा महासिंह, महासिंह का बेटा था स्वाई जय सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह, सॉरी स्वाई जय सिंह नहीं, मिर्जा राजा जय सिंह। तो कुछ किताबें इसको मान सिंह का बेटा लिख देते, वो गलत है, ये मान सिंह का पड़पोता था मिर्जा राजा जय सिंह। ठीक है, देखो इसका उत्तर, इसका उत्तर होगा कोटा। हाड़ा चौहान जो है वो इस बात का हमेशा से ही विरोध करते आए थे, और हाड़ा चौहानों ने भी मुगलों के साथ किसी प्रकार का वैवाहिक संबंध नहीं किया था। चलो अब क्या बता रहा था, अच्छा अपना प्रश्न चल रहा था चावंडवाड़ा। देखो प्रश्न क्या था कि चावंड राजधानी कितने वर्षों तक रही, तो कुछ लोग तो क्या करते हैं इसका उत्तर क्या करेंगे कि 1615 में जब संधि हुई मेवाड़ मुगल संधि अमर सिंह और जहांगीर के मध्य, तब सब कुछ वापस दे दिया था, बोलो उदयपुर ले लो, चित्तौड़गढ़ ले लो, कुमलगढ़ ले लो, माडलगढ़ ले लो, सब चीजें वापस दे दी थी संधि के तहत। तो उस समय राजधानी फिर उदयपुर हो गई थी। तो अब हम घटाएं कि 1615 में से 1585 घटाएं, तो 0 और 10 8 2 कितना बचेगा, ये 0 हो गए, 11 8 3 30 वर्ष। अब आरपीएससी ने 30 वर्ष भी ऑप्शन था और 28 वर्ष भी था, अब बताओ उत्तर क्या सही होगा, इसका उत्तर क्या सही माने, कंफ्यूज भी बड़ी दूर है। देखो क्या हो सकती है राजधानी, उत्तर आरपीएससी ने 28 वर्ष ही माना था, और 28 ही सही है, क्यों, क्योंकि जो 1615 में जो खुर्रम ने संधि की थी, तो खुर्रम अभियान लेके 1613 में आया था खुर्रम, और 1613 में जब उसने मेवाड़ में प्रवेश किया, तो प्रवेश करते अमर सिंह ने चावंड छोड़ दिया था 1613 में, उस हिसाब से उत्तर इसका 28 वर्ष होगा, और एनसीआरटी ने भी इसमें 28 लिख रखा है, कुछ 30 बता देते हैं, 30 भी एक हिसाब से हो सकता है सही है, लेकिन 2 साल तक वैसे तो कोई राजधानी नहीं रहती, तो इस हिसाब से मुझे लग रहा आरपीएससी ने भी 28 उत्तर माना। तो मैंने उस किताब में, मेरी वाली हिस्ट्री किताब, मैंने दोनों ही लिख दिए कि चावंड राजधानी 1613 और 1615 तक रही, तो वो कई बार फोन आ जाते हैं, तो वो आपको कंफ्यूज दूर मैंने कर दी, अब आप देख लेना क्या करोगे, क्योंकि एनसीआरटी ने इसको 28 लिख रखे है। ठीक है, अपना चल क्या रहा था, अरे अपन कहां चले गए, क्या चला रखा था, चलो कुंभलगढ़ चल रहा था, कुंभलगढ़ दुर्ग पर चढ़कर आप मेवाड़ और मारवाड़ दोनों की सीमाएं देख सकते हो, एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसके दो रियासतों की भी सीमाएं देख सकते हो, मारवाड़ और मेवाड़, कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर आप थोड़ा सा आगे चलोगे तो यहां पर एक कुंड है, मामा देव,
इस मामादेव कुंड के ऊपर कहते हैं कि कुंभा पूजा पाठ कर रहा था और कुंभा का बेटा उदा आया और उदा ने कुंभा की हत्या कर दी थी। और इसी कुंभलगढ़ दुर्ग में पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसे उड़ना राजकुमार बोलते हैं, उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया की 12 खंभों की छतरी भी है। तो ये है कुंभलगढ़ दुर्ग की बातें। चलो आगे चलें, आगे चले क्या? अब तो कुछ नहीं, कुंभलगढ़ का ही ज्यादा डिटेल है, अब तो दो दो चार चार बातें बची आगे वाले दुर्गों की। देखो फिर एक दुर्ग है भैंसरोडगढ़। सर ये कहां पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में। ये दो नदियों के संगम पे है, चंबल और बामणी। सर किसने बनवाया? कहते हैं कि कोई बेसा सा और रोड़ा चारण नाम के दो बंजारों ने बनवाया था। इसे राजस्थान का वेलोर भी बोला जाता है। तो आप इतना ही ध्यान रखना, भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ और चंबल और बामनी नदी के संगम पे, ठीक है। अचलगढ़, ज्यादा तो जरूरी नहीं है लेकिन थोड़ा सा बस ध्यान रख लेना कि अचलगढ़ कहां है, सिरोही में। कहते हैं कि शुरुआत में इसे परमारों ने बनवाया था, मैन दुर्ग कुंभलगढ़ ही था, बाकी इतनी बातें नहीं थी। परमारों ने बनवाया और बाद में आपको बता दिया कि पुनर्निर्माण इसका कुंभा ने करवाया। अंचलेश्वर मंदिर के कारण इसे अचलगढ़ कहा जाता है, ठीक है। हाँ फिर मचान, मचान सिरोही के अंदर आपको बता दिया, मेरों के आक्रमण को रोकने के लिए बनवाया था। फिर सज्जनगढ़ है, कौन सी पहाड़ी पर है? बांसद्रा। इसे उदयपुर का मुकुटमणि बोला जाता है। सज्जनगढ़ अभयारण्य है ना, उसमें एक है छोटा मांझी साहिब का किला, छोटी मांझी साहिब का किला, इसे लाल किला बोलते हैं। सर कहां है? प्रतापगढ़ के अंदर। ये नॉर्मल नॉर्मल बातें हैं जो अभी तक एग्जाम में तो नहीं पूछी गई। सर दुर्ग हम ज्यादा पढ़े तो कौन से पढ़े? सिर्फ बड़े बड़े दुर्ग, बटनेर पढ़ना है, भरतपुर वाला पढ़ना है, रणथंबोर पढ़ना है, कोटा वाला पढ़ना है, चित्तौड़गढ़ वाला पढ़ना है, कुंभलगढ़ पढ़ना है, और उसके बाद में जैसलमेर और बीकानेर और मेहरानगढ़। इतने दुर्गों में से लगभग क्वेश्चन आ जाएगा, तो ज्यादा तो हमें इन पे फोकस करनी है। अब हमारे जो दुर्ग बचे हैं, अब मैन जोधपुर के दुर्ग बचे हैं, एक या दो घंटे का टॉपिक और बचा है, दुर्ग को हम कंप्लीट कर देंगे। तो अब किसी को प्रश्न, चलो एक बात और बता देना, एक दो दुर्ग और बच गए, चलो कोई बात। देखो एक दुर्ग है बनेड़ा, कहां है? भीलवाड़ा में। इसका निर्माण भी कहते हैं कुंभा ने करवाया। श्रीनगर का करमचंद पंवार था, जिसे बांबोई गांव की जागीर दी गई थी, इसे सांगा ने, ये दुर्ग श्रीनगर के करमचंद पंवार, जब सांगा ने उत्तराधिकार युद्ध के समय शरण ली थी तो उसे दिया था। एक दुर्ग है उंटाला, ये भी फेमस है। उंटाला कहां है? भीलवाड़ा। उंटाला दुर्ग की एक स्टोरी आती है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो बता देता हूं। उंटाला दुर्ग भीलवाड़ा के अंदर है और इस पर जहांगीर का अधिकार था। मेवाड़ के अंदर चुड़ावत हमेशा ही हरावल सेना में रहते थे, चुड़ावतों को, चुड़ा के वंशज थे चुड़ावत, और चुड़ावतों को हरावल सेना में रहने का गौरव प्राप्त था शुरुआत से। लेकिन अमर सिंह के समय सक्तावत भी शक्तिशाली हो गई और चुड़ावत और सक्तावतों में आपस में विवाद हो गया। विवाद इस बात में हुआ कि सक्तावत बोले, शक्ति सिंह के वंश, सक्तावत बोले कि हरावल सेना में हम रहेंगे और चुड़ावत पहले से ले। अब अमर सिंह क्या निर्णय करे? अमर सिंह महाराणा प्रताप का पुत्र, महाराणा अमर सिंह। अब अमर सिंह क्या निर्णय करे? अमर सिंह बोला हरावल सेना में वही रहेगा जो इस उंटाला के किले को जीत के पहले प्रवेश करेगा। तो हुआ क्या, सक्तावतों ने तो दुर्ग के आगे से आक्रमण किया, बल्लू सक्तावत के नेतृत्व में, और चुड़ावतों ने दुर्ग के पीछे से आक्रमण किया, किसके नेतृत्व में? जेत सिंह चुड़ावत के नेतृत्व में। अब क्या हुआ कि दुर्ग के, आपने देखे दुर्गों का आगे लंबी लंबी किले लगी होती है, तो हाथी उस कील को तोड़ नहीं पाया क्योंकि हाथी के आगे वाले दांत नहीं थे। तब बल्लू सक्तावत उसके आगे खड़ा हो गया और बोल तोड़ दो। हाथी ने उसके लगा के तोड़ा। पीछे से चुड़ावतों को पता चला कि सक्तावत अंदर पहले घुसेंगे। कहते हैं कि एक चुड़ावत ने आदेश दिया कि मेरे गर्दन काट के अंदर फेंक दो और कह दो कि हम पहले प्रवेश किए थे।
तो उस समय जेत सिंह चुड़ावत ने कहते हैं कि अपनी गर्दन कटवा के अंदर फेंक दी थी। तो बाद में फिर अमर सिंह ने ये दुर्ग भी जीत लिया। अमर सिंह ने दोनों को इनाम दिया, लेकिन हरावल सेना में रहने का गौरव वापस किनको मिला? चुंडावतों को। वैसे चुड़ावत नाम निकल जाता है, लेकिन चुंडावतों को मिला। ठीक है, एक दुर्ग है लास्ट सांगानेर दुर्ग, वो भीलवाड़ा में है, संग्राम सिंह सेकंड ने बनवाया था। कौन सा? सांगानेर। अब हमें बचे हैं मारवाड़ के दुर्ग। कोई प्रश्न वगैरह हो तो आप पूछ लो, किसी प्रकार का कंफ्यूजन हो तो। मेवाड़ केसरी आप महाराणा प्रताप को भी कह सकते हो, और वैसे अपने कवि जो है केसरी सिंह बारट को भी कहा जाता है मेवाड़ केसरी, दोनों को ही कहा जाता है। कुंभलगढ़ दुर्ग पर शाहबाज खां ने हमला कब किया? शाहबाज खां मित्र मेवाड़ पर तीन बार आया था, 1578 से 80। तो पहले अभियान के समय उसने मेवाड़ के कुंभलगढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया, 3 अप्रैल 1578 को जीत लिया था। दोबारा फिर 78 में आया था, फिर 79 में आया था। और कोई प्रश्न है तो पूछ लो, जैसलमेर दुर्ग आगे करवाएंगे। बिल्कुल, कुछ पूछना है क्या? हरावल क्या होता है? एक राजा हमेशा युद्ध में व्यूह रचना बनाई जाती है। जैसे हरदी घाटी की व्यूह रचना बताता हूं मैं। हरदी घाटी में महाराणा प्रताप बीच में रहेंगे, उनके साथ महाराणा प्रताप के साथ हरदी घाटी भामा साहब भी थे, ताराचंद थे। राजा के आगे एक सेना रहती है हमेशा, उस सेना को हरावल सेना कहा जाता है। जैसे महाराणा प्रताप की हरदी घाटी में हरावल सेना का नेतृत्व हाकिम खां सूर ने किया था, और कृष्णदास चुड़ावत ने किया था। राजा के पीछे एक सेना रहती है, उस सेना को चंद्रावल सेना कहा जाता है, हरावल का अपोजिट होती है। यह हरदी घाटी की व्यूह रचना है, राजा इस तरीके से सेना को सेट करता था। तो चंद्रावल सेना का नेतृत्व भील पुंजा ने किया था, राणा पुंजा। राजा के इस साइड में ये कौन सी होगी? ये दाया है, वाया, वाम पार्श्व। वाम के अंदर भी एक सेना रहती है, जैसे महाराणा प्रताप की वाम सेना का नेतृत्व जालाबीदा मानसिंह वगैरह इन्होंने किया था। तो और दाई साइड को बोलते हैं दाया पार्श्व। तो दाया पार्श्व का नेतृत्व है राम सा तंवर ने, और इनके तीन पुत्र खड़े थे। तो राजा के आगे जो सेना रहती है उस सेना को हरावल सेना कहा जाता है, और राजा के पीछे जो सेना रहती है उसे चंद्रावल। और कुछ तो आप पढ़ोगे तो आप हिंदुस्तान का ही नहीं भारत का नाम रोशन कर दोगे। हाँ, लैपटॉप में दुरीना नहीं चलेगा। मोटिवेशन बनाओ, बनाऊंगा मित्र, बनाऊंगा सर। कई बुक कह रहे हैं चेतक बुक में त्रुटियां, अरे इनको तो बस तरीका चाहिए। मैं बताऊं, कल्चर की बुक में एक जगह सिर्फ इतना लिखा गया, वो ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में ऐसे लिखा हुआ था भी, डिटेल में सही लिखा हुआ है वो, कि पटुओं की हवेली कहाँ है। पीछे डिटेल में जैसलमेर लिखा, उसमें कोई मिसप्रिंटिंग झुंझुनू हो गया, बस उस बात को लेके प्रिंटिंग मिसप्रिंट। अरे ऐसी ऑब्जेक्टिव किस में नहीं है, एनसीईआरटी में दिखा दे, और इसके तुरंत बाद हमने सुधार कर दिया, अब कोई है ही नहीं। तो ये तो क्या होता है कि कुछ विरोधियों को एक तरीका बढ़ाने का होता है, और हर बुक में दो चार गलतियां होती है, हो ही जाती है, कभी टाइपिंग मिस्टेक, कभी मात्रा की ऐसी हो जाती है। बाकी बुक आने वाले समय में, एक साल बाद हमारी बुकें और नंबर वन पे होगी, क्योंकि हम तो रोज सुधार करते हैं बुकों में, रोज नया मैटर जोड़ते हैं। तो ऐसी एक दो मिसप्रिंटिंग हो जाती है, वो हो ही जाती है, आपसे भी हो जाएगी, आप लिखो ये। तो कुछ पूछना है? उड़ना राजकुमार इसी दुर्ग में रहता क्या था क्या? हाँ, उड़ना राजकुमार जो था, अब रहने का तो भी उसकी कोई राजधानी तो रही नहीं, वो कोई राजा तो रहा नहीं था, सब जगह ही था, चित्तौड़गढ़ में भी था, यहां भी था। संधियां कितनी हुई राजस्थान? कौन सी संधि, किस टाइप की संधि? भी आपका प्रश्न सही नहीं है। चलो ठीक है, ऐसा तो कोई क्वेश्चन नहीं है, चलो बाद में करते हैं, फिर मिलते रहेंगे। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।